अभी भी यहाँ पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी का यहाँ पे ट्रेलर आया गया। जो ट्रेलर मैंने देखा है, जो ट्रेलर देखने के बाद मैं इतना ही बोलूंगा कि ट्रेलर जो है गाइस यहाँ पे टीजर से यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा है गाइस। यानी कि टीजर जब मैंने देखा था गाइस, तो इस मूवी से मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी गाइस वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो चुकी थी गाइस। और अब जब मैं यहाँ पे इस मूवी का यहाँ पे ट्रेलर देख रहा हूँ, तो भाई साहब इस मूवी के लिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुका हूँ गाइस। ट्रेलर का रिव्यू भी करेंगे इस वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर देना। इस बिना किसी देर के वीडियो करते स्टार्ट, तो बात की जाएगा यहाँ पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के बारे में। तो उसका ट्रेलर आज यहाँ पे आया गया। तो ट्रेलर के पहले अपन यहाँ पे जान लेते हैं कि मूवी का यहाँ पे डायरेक्ट कौन किया, किसने किया है गाइस, और यहाँ पे मूवी में आपको यहाँ पे कौन कौन एक्टर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले गाइस। बात की जाएगा यहाँ पे लीड रोल के बारे में, तो लीड रोल में आपको यहाँ पे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले गाइस। और साइड रोल में आपको यहाँ पे लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र और यहाँ पे जया बच्चन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली गाइस। और मूवी को डायरेक्ट किया गया यहाँ पे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर ने। इस मूवी को अपना बेहतरीन डायरेक्शन यहाँ पे दिया है गाइस। एक फैमिली एंटरटेनर मूवी गई जो की इसी महीने आपको यहाँ पे 28 जुलाई को आपको यहाँ पे सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली गाइस। और इसका ट्रेलर अभी यहाँ पे आया गाइस। और ट्रेलर मैंने देखा है गाइस। और अब बात की जाएगी गाइस यहाँ पे इस मूवी का यहाँ पे ट्रेलर के बारे में, तो बात की जाएगी इस ट्रेलर के, तो ट्रेलर यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे जबरदस्त है। इस ट्रेलर में आपको यहाँ पे इमोशन सीन्स और कॉमेडी और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक्शन सीन्स भी आपको यहाँ पे दिखाई जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे जबरदस्त भी लगता है, यानी कि अच्छा है गाइस वैसे तो यहाँ पे ट्रेलर। और ट्रेलर में जो है गाइस यहाँ पे जो मीड में जाते जाते यहाँ पे स्टोरी भी यहाँ पे पता चलती है। स्टोरी है कि यहाँ पे रणवीर सिंह की और यहाँ पे आलिया भट्ट की जो फैमिली है उनके आपस में यहाँ पे मेल नहीं खाती, यानी कि उनके यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जमता नहीं है गाइस। यानी कि यहाँ पे 3 महीने आलिया भट्ट जो है गाइस यहाँ पे रणवीर सिंह के यहाँ पे घर रहने वाली गाइस, और वही 3 महीने आपको यहाँ पे रणवीर सिंह आलिया भट्ट के घर यहाँ पे रहने वाले गाइस। ये इस मूवी के यहाँ पे स्टोरी होने वाली है। रानी की बात तो है कि इस मूवी के जो ट्रेलर है गाइस, यानी कि रॉकी और रानी के जो ट्रेलर है गाइस, जिसमें आपको यहाँ पे लेजेंडरी एक्टर यानी कि धर्मेंद्र जो है गाइस आपको शायद यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेकंड के लिए आपको दिखाई जाते हैं गाइस। तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है गाइस, उनको यहाँ पे ट्रेलर में यहाँ पे उतना ज्यादा यहाँ पे स्क्रीन टाइम यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन शायद यहाँ पे मूवी में उनका ज्यादा यहाँ पे स्क्रीन टाइम यहाँ पे हो सकता है। मूवी यहाँ पे करण जौहर ने बनाई है, तो गाइस एक बात तो यहाँ पे सेम होगी गाइस, क्योंकि करण जौहर की जो भी मूवी बनाते हैं गाइस, उस मूवी में यहाँ पे महंगी महंगी चीजें तो आपको सबको यहाँ पे दिखाई देते हैं गाइस। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बड़े बड़े महल भी आपको यहाँ पे दिखाई देते गए, जो कि ट्रेलर में यहाँ पे दिखाई भी देते गए, जो कि देखने में काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि अपने बाप का यहाँ पे क्या जा रहा है गाइस जो कि भी देख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे ट्रेलर काफी ज्यादा यहाँ पे जबरदस्त है गाइस, जो कि यहाँ पे मूवी देखने के लिए आपको यहाँ पे एक्साइटमेंट यहाँ पे जरूर करेगा गाइस। और मूवी बस गाइस इसके साथ वीडियो करते हैं यही पे, एंड अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता देना।